अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ जलो किनाल पिकनिक पॉइंट पे। ये जलो किनाल पिकनिक पॉइंट है, ये नहर के बिल्कुल दोनों अतराफ पे ये पार्क बनाया गया है। ये पार्क बिल्कुल सोजो वाटर पार्क के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर LDS भी है, लाहौर डॉल्फिन शो, और जो लेजेंडरी फेमस जलो पार्क है वो भी करीब करीब ही है। अभी चूँकि ये सर्दियों का मौसम है और नहर की सफाई हो रही है, उस वजह से इन्होंने नहर बंद की हुई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आती हैं, वॉक करने आते हैं, बारबेक्यू करते हैं, पार्टी करते हैं। ये पार्किंग है, चलें एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। ये बिल्कुल नहर के किनारे हैं, बहुत इजी इसका रूट है। आप नैरो नहर आ सकते हैं, अगर सिटी से आ रहे हैं तो आप जो मेन किनाल रोड है जल्लू की तरफ उस पर आएँ, सोजो वाटर पार्क के सामने। इसके चार पार्किंग जो है ना पॉइंट्स हैं। जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक है ये, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर आप वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए आ सकते हैं। ये जो पार्क है ये नहर की दोनों तरफ, उस साइड पर भी और इस साइड पर बनाया गया है, और चार इसके पार्किंग पॉइंट्स हैं। बहुत ज़्यादा पार्किंग है, ये है जलो किनाल पिकनिक पॉइंट। यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, 24 आवर ये ओपन होता है। अब चूँकि सर्दियों का मौसम है इसलिए यहाँ पर लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। नहर भी बंद है सफाई की वजह से। गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग पिकनिक मनाने आते हैं, नहर में नहाते हैं। अभी तो खैर कवे नहा रहे हैं, और सर्दियों में शाम को यहाँ पर लोग बारबेक्यू करने आते हैं। मैंने जैसे आपको वीडियो में बारबेक्यू वाली जगह दिखाई, चार स्पॉट्स हैं पार्किंग के लिए, पार्किंग बहुत है। इसके सामने ही सोजो वाटर पार्क है, जल्लो पार्क भी करीब है, लाहौर डॉल्फिन शो भी करीब है, बड़ी मेन जगह है।
नहर के दूसरे किनारे पर भी ये पार्क है। ये नहर के साथ साथ बनाया गया है, जल्लो वाली साइड पे। बहुत खूबसूरत पार्क। यहाँ पे आपको गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा, लोग नहर में नहाते हैं। अभी तो सर्दी का मौसम है, लोग यहाँ पर शाम को बारबेक्यू करने आते हैं। चिल्ड्रन प्ले एरिया। बारबेक्यू एरिया। Thank you.